गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 4, चौथा दिन हमारे हैदराबाद टू उत्तराखंड ट्रैवल सीरीज का। पहले दिन हम नागपुर गए, दूसरे दिन हम नागपुर से सागर आए, तीसरे दिन हम यहाँ आगरा आए, और आज आगरा में हमारा सुबह हो चुका है। सो आज हमारा चौथा दिन है, आज हम दिल्ली जाएंगे। सो इस वीडियो में आप देखोगे हमारा आगरा टू दिल्ली का ट्रैवल, और फिर दिल्ली में भी हमें ओल्ड दिल्ली जाने का प्लान है। वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, कैमरा का थोड़ा सामान लेना है वो लेंगे, और दिल्ली में एक बहुत अच्छे होटल में रुकेंगे हम, पुलमेन में, उसको दिखाएंगे आप लोगों को। वहाँ कल ब्रेकफास्ट है वो भी दिखाएंगे, होटल भी दिखाएंगे। सो बहुत बिजी दिन है आज का, और ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं, 7:45 हो गए। मैं नहा धो के रेडी हूँ, बट वाइफ और बेबी अभी जस्ट उठे हैं, तो अभी टाइम लगेगा। आई थिंक 45 मिनट्स लगेंगे। 8:30 तक हम नाश्ता करने जाएंगे, ये प्लान है, और फिर 9:30 तक यहाँ से निकल लेंगे दिल्ली के लिए। तब तक एक वीडियो है, मैं वो एडिट कर लेता हूँ। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये सुबह के हो गए 8:45, और अब हम फाइनली रेडी हैं ब्रेकफास्ट करने जाने के लिए। अब निकलते हैं। चाबी रख ली क्या? हाँ, रूम की चाबी रख ली। इधर मैंने सामान भी पैक कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा सामान रेडी है, मैंने पैक कर लिया। अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके आएंगे, बस सामान उठाएंगे निकल जाएंगे। 8:45 हो गया है, सो होपफुली 9:30 तक आ जाएंगे, और 9:40 9:50 तक निकल जाएंगे। 9:50 निकले तो कब पहुँचेंगे? 11:12 एक दो, आई थिंक 1:30-2 बजे तक पहुँचेंगे दिल्ली, देखते हैं। चलिए, ये हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। मैं मूसली लेके आया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। वैसे तो पूड़ी भी है, पराठा भी है, बट समझ नहीं आ रहा। अभी देखते हैं, पहले ये खाते हैं। और मैंने एग्स बोले हैं, और मैंने एक डोसा भी बोला है। वैसे मैं खुद अपना रूल तोड़ रहा हूँ मैं कहता हूँ जहाँ जाएँ वहाँ का खाएँ, बट मैं नॉर्थ में आके डोसा ऑर्डर किया, आज थोड़ा मन किया, ट्राई करेंगे। ये मेरा सानी साइड अप भी आ गया, और डोसा भी आ गया, थैंक यू। ये मसाला डोसा, घी मसाला डोसा बोला था, वो भी आ गया, और सानी साइड अप भी आ गया, एक ही साथ आ गए। ये वाइफ वो लाई है, हेल्दी सैलेड लाई है, काफ़ी सारा बीन्स वगैरह है, खीरा है, स्प्राउट्स हैं। क्या चाहिए बेबी? फोक, फोक या स्पून? ये मैं डोसा खा रहा हूँ, डोसा अच्छा है, ठीक है, बट ये सांभर में मज़ा नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा मीठा है मेरे लिए। आजकल मुझे वो थोड़ा खट्टा मीठा खाने की आदत पड़ गई है, साउथ वाला। और बेबी चीज़ ऑमलेट खा रहा है, ब्रेड लेके आया है टोस्ट करके। आगरा की ये पूड़ी बहुत फेमस होती है, तो ये मैं लेके आया हूँ। वैसे बेदमी फेमस होती है, बेदमी है या नहीं पता नहीं। बेदमी के अंदर थोड़ा सा दाल का वो होता है, पिट्ठी होता है, और ये आलू की करी लाया हूँ मैं, ये इसके साथ खाते हैं। ये पराठा है, पराठा भी होपफुली इधर अच्छा होगा, बिकॉज़ ये नॉर्थ है। और ये बेबी ग्रिल्ड पटेटो, और क्या लाया? गुलाब जामुन, क्या बात है, बेबी का फेवरेट है गुलाब जामुन, स्कूल में भी यही खाते हो और ये आज मैं लास्ट आइटम लाया हूँ अपना, ये है गुलाब जामुन। वैसे नहीं खाना चाहिए सुबह सुबह मीठा, बट मेरे से नहीं रुका गया और मैं ले आया, क्योंकि मैंने किया। हाँ, बेबी ने खाया तो मुझे टेम्प्ट हुआ। और आज वैसे भी हल्का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज हम जाएंगे अपने, क्या बोलते हैं, मेरे वो इन लॉज के यहाँ। सो वहाँ पे अच्छा लंच मिलेगा, दाल चावल, जो हम बहुत मिस कर रहे हैं। 4-5 दिन हो गए घर का खाना नहीं खाया, इसलिए लाइट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आराम से मज़े से दाल चावल खाएँगे। वाइफ फ्रूट्स लेके भी आ गई है। को एक बूफे का राउंड लगा देते हैं। यहाँ पे चाय काउंटर है, आप देख सकते हैं, मसाला चाय थी इधर, बाकी सब है, जूसेस हैं यहाँ पे, ये जूस सेक्शन है वाटरमेलन है, ये फ्रेश होता है तो मैं यही पीता हूँ, मुझे ये पसंद है। यहाँ गुलाब जामुन है, ये मैंने एक खाया, बहुत सही लगा, बड़े टाइम बाद खाया, अच्छा लगा। यहाँ पर नॉर्मल बाकी सामान है, चौकोस वगैरह हैं, ठंडा गर्म सब तरीके का दूध है। यहाँ अलग अलग तरीके के चौकोस हैं, इतने सारे आप देख सकते हो। यहाँ पे टी वाले केक हैं, टी केक्स हैं, और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे रीजनल आइटम्स वगैरह भी हैं, उपमा है, वड़ा है, वड़ा मैंने एक खाया था, ठीक था, सही था। यहाँ पोहा भी है, यहाँ मैंने ट्राई किया, ये भी अच्छा था, थोड़ा सा खाया था मैंने, इसमें थोड़ा टमाटर था, मुझे पसंद नहीं है तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया। और भी रीजनल आइटम है, यहाँ पूड़ी है, पराठे हैं, जो आप खाना चाहो आप बनवा सकते हो। पूड़ी आप फ्रेश भी बोल सकते हो, या सब्जी है, छोले हैं, और इडली भी है, और गन पाउडर वगैरह भी है, अगर आपको इडली में गन पाउडर डालना है। यहाँ चटनियाँ हैं इडली के लिए अलग अलग, टमाटर की है, कोकोनट की है, बेक्ड बीन्स वगैरह भी हैं, मेरे बेटे को बड़ा पसंद है, उसका फेवरेट है बेक्ड बीन्स। और यहाँ पे सॉटेड सब्जी वगैरह भी है, अगर आपको खाना है तो। सिलेक्शन है, अच्छा है, फिर भी आएंगे, या फिर कभी आएंगे, मतलब इस होटल में ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट सिलेक्शन अच्छा लगा अपने को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, चिकन सॉसेजेस भी हैं। ये बेकरी सेक्शन है, यहाँ सारी बेक्ड आइटम्स पड़ी हैं, काफ़ी सारी है। ये तो हम इतना खाते नहीं हैं, कभी कभार
थोड़े से हम रख लेते हैं गाड़ी में चलते हुए चरने के लिए। यहाँ पे डोनट्स वगैरह हैं, क्रोसॉ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, बट नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट में खाते नहीं हैं, हम वही अगर बैग में रख लेते हैं तो रख लेते हैं। यहाँ फ्रूट्स हैं कट, ये भी मैंने खाए, मस्क मेलन काफ़ी अच्छा है, पपीता काफ़ी मीठा था, मैंने ट्राई किया। यहाँ पे सैलेड है और इसकी ड्रेसिंग्स हैं अलग अलग, सैलेड का सारा आइटम बना है, आप अपना सैलेड खुद बना सकते हो, उसके ऊपर ड्रेसिंग डाल सकते हो। फ्लेवर्ड योगर्ट वगैरह भी है, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो चाहो तो। इधर दिख रहा है फ्लेवर्ड योगर्ट, ये पाइनएप्पल है, ये स्ट्रॉबेरी है, अलग अलग है, चीज़ेस भी हैं, चीज़ ट्राई करना है तो। और ये एग्स सेक्शन है, यहाँ पे आप एग्स का ऑर्डर दे सकते हो, जैसे आपको खाना है वैसे बना देंगे। ये यहाँ पे साउथ इंडियन सेक्शन है, यहाँ पे डोसा वगैरह बोल सकते हो आप, लिखा हुआ है डोसा काउंटर। और ये बेबी अपना पैनकेक खा रहा है, उसे मज़ा आ रहा है, मज़ा, ओ सॉरी वॉफल, पापा भी भूल गया, सही है इंजॉय करो। हम आगरा से निकल रहे हैं, आई लव आगरा का बोर्ड आया, अब हम जा रहे हैं एक्सप्रेसवे की ओर। सो आज की जर्नी तो छोटी सी होने वाली है, दिन बहुत लंबा होने वाला है। जर्नी 236 किलोमीटर की है, लगभग 3 घंटे 50 मिनट की जर्नी है, और 3 घंटे 50 मिनट में हम पहुंच जाएंगे दिल्ली में। एक जगह है पश्चिम विहार करके, जहां मेरी वाइफ का घर है, मतलब मेरे इन लॉज का घर है, इन लॉज तो नहीं है बट मेरी वाइफ की एक सिस्टर है, तो उससे मिल लेंगे, लंच कर लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से फिर हम अपने होटल वोटल जाएंगे। सो आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है, होटल जाएंगे, फिर होटल के बाद शायद ओल्ड दिल्ली जाएँ खाने पीने, थोड़ा कैमरे की शॉपिंग करने के लिए। सो बहुत व्यस्त दिन होने वाला है, बहुत बिजी दिन होने वाला है, बने रहिए आप। रास्ता होने वाला है, यहाँ से हम निकलेंगे सीधा एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, वो अपने को नोएडा उतारेगा, बट बीच में जैसे मथुरा आएगा, वृंदावन आएगा, ऑब्वियसली हमें शहर नहीं दिखेगा बिकॉज हम एक्सप्रेस वे ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। और यहाँ देखो आप, ये पंछी पेठे के कितने बोर्ड हैं, बट ये सारे नकली हैं। जो असली पंछी पेठा है वो सदर बाज़ार आगरा में मिलता है, मैं वहीं से लेता हूँ। रिटर्न जर्नी में हम पेठा लेंगे, सो जब कोशिश नहीं करेंगे, पक्का लेंगे। जब हम रिटर्न कर रहे होंगे देहरादून से, जब हम हैदराबाद जा रहे होंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा पेठा ले जाएंगे सबके लिए, मतलब 250 ग्राम्स टाइप। आगरा इनर रिंग रोड है शायद, ये इनर है आउटर है बेबी, इनर हाँ, सो ये आगरा इनर रिंग रोड पे चल गए हम। आगे इसका छोटा सा टोल कटेगा 30-40 रुपए का, और यही रोड फिर सीधा कनेक्ट हो जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो अपने को सीधा दिल्ली तक लेके जाएगा। सो अब 175 किलोमीटर अपने को सीधा इसी रोड पे जाना है। बीच में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कट भी दिखेगा, जिन लोगों को लखनऊ जाना है वो वहाँ से राइट मार के लखनऊ निकल जाते हैं, बट अपने को तो लखनऊ नहीं जाना इस ट्रिप में। और ये आप देख सकते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कट आ गया है, यहीं से लेफ़्ट लेके जाना है। लखनऊ यहाँ से 320 किलोमीटर है, बट आपको मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे यहाँ से लखनऊ पहुँचने के लिए, बहुत अच्छा हाईवे है। अब हाँ, जब हम हिमाचल से गए थे वापस हैदराबाद जनवरी में आए थे, तब हमने यही रूट लिया था, बहुत अच्छा रूट है। इस बार भी प्लान था, बट इस बार हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज इतनी अच्छी जगह है लखनऊ कि वहाँ जाके बस एक रात गुजारना गुनाह है, गुनाह, मतलब वहाँ जाए कम से कम 3-4 दिन रहें, इदरिस बिरयानी खाएं, टुंडे कबाबी खाएं, लखनऊ में घूमें, जू जाएं, बड़ा इमामदारा जाएं, चिकनकारी सूट लें, तभी लगे कि लखनऊ में आए हैं, मतलब लखनवी तहजीब का फुल मज़ा लें और वहाँ जाके मुस्कुराएं बिकॉज आप लखनऊ में हैं। इसलिए इस बार मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, पहले प्लान यही था कि लखनऊ जाएंगे, अब मैंने सोचा नहीं, लखनऊ हम 4-5 दिन अलग से ही रहने आएंगे, कभी जल्दी चलेंगे, जल्द जाएंगे। जिस दिन वो पैदा हुए थे, जब उन्हें क्या बोलते हैं, मथुरा की जेल से वृंदावन लेके जा रहे थे वासुदेव जी, तो पानी बढ़ा था और उनके पैर छुए थे गंगा यमुना ने, और कहते हैं सॉरी यमुना जी ने, और कहते हैं कि उनके पांव छूने के बाद यमुना जी शांत हुई थी और यमुना जी का लेवल कम हुआ था। बड़ा अच्छा सीन है वो, अगर आप पुरानी वो सीरीज़ देखते हैं जय श्री कृष्णा, तो उसमें दिखाया है टोकरी में कृष्णा जी हैं, यमुना जी का पानी आता है उनके पैरों को टच करता है और फिर नीचे हो जाता है। चलिए चले दिल्ली की ओर। और ये आगरा इनर रिंग रोड का टोल प्लाजा आ गया, अब ये टोल प्लाजा पार करेंगे, फिर 10-20 किलोमीटर चलेंगे तो दूसरा वाला वो एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा आ जाएगा। ये बस आगरा रिंग रोड जो बनी है उसको क्रॉस करने का टोल यहाँ कटेगा, जो अपना मेन टोल दिल्ली जाने के लिए कटना है वो आगे जाके ही कटेगा। सो चलिए जाते हैं, कटवाते हैं। दिल में खुशी आ रही है, आज हम तीनों अपनी मातृभूमि जा रहे हैं, जहाँ पैदा हुए, पूरी ज़िंदगी काटी, दिल्ली जा रहे हैं।
और आप ये देख सकते हो क्या मस्त हाईवे, इस पे 100 की स्पीड लिमिट है। अब मैं थोड़ी देर में क्रूज लगा दूंगा, या अभी लगा देते हैं 100 का क्रूज आराम से। 100 तो नहीं, 100 से थोड़ा सा कम डालते हैं, चलान वलान अगर 100 से ऊपर आए तो ना आ जाए। 95 का डाल दिया है, आराम से जा रहे हैं। होपफुली अब 3.5 घंटे में हम होंगे पश्चिम विहार अपने घर पे। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा है। सो ये हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे, अब दिल्ली दूर नहीं। और ये हम एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं, आप देख सकते हो मैंने क्रूज पे डाला हुआ है। क्रूज पे क्या होता है, वैसे तो आजकल आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों की आजकल नई गाड़ियाँ होती हैं, बट अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, जैसे जब मेरे पास वैगन आर थी मुझे नहीं पता था, तो क्रूज पे क्या होता है, आप एक स्पीड लिमिट सेट कर दो गाड़ी को और वो गाड़ी उसी स्पीड पे चलती जाएगी क्रूज कंट्रोल पे, और जैसे ही आप ब्रेक मारोगे तो क्रूज हट जाएगा, मतलब जैसे ही ब्रेक टच करोगे तो क्रूज हट जाएगा। सामने आप देख सकते हो लोग तो भगा रहे हैं गाड़ियाँ, यहाँ 100 की स्पीड लिमिट है बट हमने आराम से 95 का क्रूज मारा हुआ, तो 95-96 पे चल रही है वो आराम से अपने हिसाब से, लोग तो भगा भगा के जा रहे हैं। और ये क्रैक दिख रहा होगा आपको हमारे शीशे पे आया हुआ है, होपफुली ये क्रैक ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा, पर अगर जब तक शीशा क्रैक मतलब अच्छे से नहीं होता तब तक इससे काम चलाएंगे। हैदराबाद जाने तक चल जाए बस, हैदराबाद जाके तो कोई टेंशन नहीं है, अपने सर्विस सेंटर पे दे देंगे इसको। देख सकते हो आज का पहला, मतलब पहला तो नहीं, एक छोटा इनर रिंग रोड का टोल आया, मेन टोल प्लाजा आज आया है पहला। ये इस एक्सप्रेसवे का टोल लगेगा, ये दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जिस पे हम जा रहे हैं, इसी पे कहीं पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, वो इंडिया का नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा होने वाला है जो मैंने पढ़ा था, इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि इस टोल प्लाजा के 1-2 किलोमीटर में एक ब्रेक पॉइंट आता है। इस टोल प्लाजा में क्या है, बिकॉज ये एक्सप्रेसवे है, दोनों तरफ से कवर्ड है, तारे हैं, तो आपको यहाँ खाने पीने के ऐसे रोड में ढाबे नहीं मिलेंगे। यहाँ हर 50 या 40 किलोमीटर में हाईवे वालों ने बनाया हुआ एक अलग सा जगह जहाँ पे दुकानें होंगी, सब कुछ होगा, खाना अच्छा मिलता है। पिछली बार हमने वहाँ बीकानेर पे देसी घी की जलेबी खाई थी, हम ठंड में आए थे, आई थिंक जनवरी में आए थे, तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। आज तो हम नहीं रोकेंगे, आज जस्ट खा के निकले हैं होटल से और अपने को दिल्ली पहुँच के लंच करना है, तो आज हम बीच में नहीं रोकेंगे, तो हम आज आपको नहीं दिखा पाएंगे। बट अगर आपको देखना है यहाँ क्या है खाने पीने के ऑप्शन इस रोड पर, तो आप हमारी हिमाचल सीरीज़ देख लो, उसमें जब हम गए हैं हम बीच में रोकते हुए यहाँ पर जलेबी और आइसक्रीम खाते हुए गए हैं। खाने पीने का कट आता है, यहाँ मैजिक लिखा हुआ है, वो आगे अंदर ट्रक अंदर गया ना, पता नहीं आपको दिखा या नहीं, बट जहाँ वो ट्रक अंदर गया वहीं पे जाते हैं, इसको मैजिक फूड जोन बोलते हैं। यहाँ बरिस्ता भी है बना हुआ है, आप कॉफ़ी वॉफ़ी ले सकते हो बरिस्ता की, और हाँ काफ़ी हैं, ऐसे 2-3 आते हैं, जो बीच में है वो सबसे बड़ा है आई थिंक, इसके बाद जो आता है वो सबसे बड़ा वाला है, ये शुरू वाला है, ऐसे 3 आते हैं शायद, 3 एग्जिट पॉइंट्स हैं, तीनों के पास एक एक आता है ऐसे कुछ है, ये थोड़ा छोटा वाला है, बट यहाँ पे भी सही है, आपको चाय वाय वॉशरूम वगैरह सब मिल जाएगा, वॉशरूम साफ़ सुथरे होते हैं, एक दो बार रात में आते हुए मैंने यूज़ करे हैं सुबह सुबह, तो सही होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए चलते हैं आगे। और ये सामने आप रोड देखो, ये बहुत आलसी रोड है गाड़ी चलाने के लिए, जब फॉग वॉग होता तब तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, अभी जैसे ये वाले मौसम में तो बहुत आलसी रोड है, कुछ नहीं करना, क्रूज पे डाल दो, बस ब्रेक पे पाँव रेडी रखो और चलते रहो, कुछ भी नहीं करना, इसलिए इस रोड पे नींद आने के चांस बहुत होते हैं इस पे, और ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे नींद भी आ सकती है आपको, और वो जो महाराष्ट्र में है समृद्धि महामार्ग नागपुर से बम्बई जो जाता है वो भी ऐसी है, हाँ उसमें तो वो बनाए हुए हैं बीच बीच में, उन्होंने रंग बिरंगी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि लोगों की आंखों को पकड़े और अटेंशन हो और लोग ना सोएं। यहाँ पे बहुत नींद आती है, मैं रात में आया हूँ, ये एक ऐसी रोड है जहाँ मैं बिना रेडबुल चलाए गाड़ी नहीं चला पाया हूँ, 2-3 बार आया हूँ, 2-3 बार मैंने रेडबुल पी है रात में जब भी आया हूँ, बहुत नींद आती है इस रोड पर, है ही ऐसी, बिकॉज मस्त रोड है, कुछ होता नहीं है, बस एक्सेलेटर अगर मैनुअल गाड़ी एक्सेलेटर पर पाऊँ तो, अगर ऑटोमेटिक है क्रूज पर डालो चलते रहो। ये मथुरा का बोर्ड आ गया, मथुरा हाथरस के लिए यहाँ पे कट है, अभी आगे भी है, और मथुरा के बोर्ड में बिकॉज ये है श्री कृष्ण जी की क्या बोलते हैं कर्म भूमि, मातृभूमि तो वो थी, सॉरी मथुरा मातृभूमि है, कर्म भूमि तो वो थी वृंदावन, वृंदावन में वो बड़े हुए थे, मथुरा में पैदा हुए थे, मथुरा के किले की जेल में पैदा हुए थे कंस मामा के यहाँ, ये सामने यहाँ देखिए आप ब्रजभूमि, लॉर्ड कृष्णा होम, ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण का निवास, जय श्री कृष्णा, सामने बोर्ड आ गया है, यहाँ से अगर आप राधे राधे अगर आप यहाँ से लेफ्ट मारेंगे तो चले जाएंगे, कोई बेवकूफ़ रॉन्ग साइड से आ रहा है घुसा रहा है गाड़ी, बट हाँ लोगों को डर ही नहीं है एक्सप्रेसवे में आने के लिए ऐसे रॉन्ग साइड से। चलिए ये यहाँ पे पेट्रोल पंप का कट है, और ये वाला भी कट है, क्या नाम है ये, ब्रेक पॉइंट है, तो
तो हम यहाँ जा रहे हैं रोकने के लिए। वाइफ को वॉशरूम यूज़ करना है, तो वो वॉशरूम यूज़ कर लेगी, हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेंगे। मैं पानी वानी पी लूँगा, मुझे प्यास लग रही है बैठे बैठे, और फिर आगे चलेंगे। बड़ा वाला यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड हैं, कॉस्टा है, KFC है, आगे बीकानेर भी है, इसी लाइन में आगे जाएंगे तो उसकी अलग बिल्डिंग है, वहाँ घी वाली जलेबी बहुत बढ़िया मिलती है, मेरी रिकमेंडेशन लें, कभी आए तो खाएं। हाँ वहीं पे। ये मुझे एक हल्का सा बायो ब्रेक लेना था, तो मैं बायो ब्रेक लेके आ गया हूँ इधर गाड़ी के यहाँ पे। यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी है, आज मंडे है इसलिए आपको ये पूरी पार्किंग खाली दिख रही है। और ये सामने है यहाँ पे, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे ये सब मिल जाएगा आपको, कोस्टा, KFC और नॉर्मल सामान वामान, मेडिसिन वगैरह। आगे है मेन जहाँ पे बीकानो है, और वहीं पे बाहर बहुत अच्छी देसी घी की जलेबी मिलती है, बहुत अच्छी, मतलब हैदराबाद में इतनी अच्छी मैंने नहीं खाई जितनी यहाँ मिलती है। दिल्ली में और अच्छी मिलेगी, दिल्ली में और एक आध स्पेशलिस्ट दुकानें हैं, या आप मथुरा जाएंगे वहाँ भी और अच्छी मिलेगी। मथुरा में दूध का सामान बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज वो ब्रज की नगरी है, वहाँ हर कोई गाय वाय पालता है। आप देख सकते हो आज बहुत खाली है ये पार्किंग, अदरवाइज़ आप सैटरडे संडे आओगे तो यहाँ फुल रहता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब हमारा रह गया है लगभग 3 घंटे का रास्ता रह गया यहाँ से, सो जाएंगे, बेबी एंड बीवी का वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली से 1 रुपये सस्ता डीजल पेट्रोल। अच्छा, दिल्ली से 1 रुपये सस्ता इधर डीज़ल यूपी में। देखते हैं हमें यूपी में भरवाएंगे या हम हरियाणा में भरवाएंगे, देखते हैं, बिकॉज़ हमें एक दिन गुड़गांव भी रुकना है, तो शायद हम सीधा गुड़गांव में भरवा लें। गुड़गांव में शायद यहीं के बराबर रेट हो, आई एम नॉट श्योर बट आई एम गेसिंग। ड्रिंकिंग एरिया से बंदर ने पानी पी लिया, इतना चालू था, टैप ऑन करके पानी पिया, क्या बात है, इंटेलिजेंट बंदर था। और ये सुबह से चल चुके हैं हम 122 किलोमीटर्स और 90 मिनट ड्राइव कर चुके हैं, मतलब 1.5 आवर्स की हमारी ड्राइविंग हो गई है। आगरा एक्सप्रेसवे पे ही है, अभी 60 और किलोमीटर कवर करना है, ऑलमोस्ट 120 आ गए, 60 और ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स है नोएडा तक के लिए। नोएडा में जाके फिर हम इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे और नॉर्मल दिल्ली नोएडा हाईवे पकड़ लेंगे, और फिर दिल्ली में जाके तो ऑब्वियसली नॉर्मल दिल्ली की रोडों से निकलना है अपने को। सामने आप देख सकते हो ये अभी भी हाईवे चल रहा है, 59 किलोमीटर और बचा है, हाईवे बहुत सही है। इस पर वैसे बाइक्स अलाउड नहीं है, बट ये लोग आई थिंक रॉन्ग साइड कुछ करके आ गए हैं, तो इस बार मुझे बाइकें दिख रही हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का यही है कि मतलब बाइकें अलाउड हैं बट टोल देके अलाउड है, नॉर्मली इस रोड पे बाइकें दिखती नहीं है, बिकॉज जनरली टोल देके लोग चढ़ते नहीं है, बट क्या पता इन्होंने टोल देके चढ़ गए हों। सुपर बाइक्स वगैरह दिखती थी, जब ये नया नया बना था तो लोग सुपर बाइक्स जो लेते हैं उनको मतलब मज़े लेने के लिए यहाँ आते थे, बिकॉज ये खाली रोड होती थी तो आप यहाँ 100-150 की स्पीड खींच सकते थे। उस टाइम पे बाइकें नहीं दिखती थी, इस बार मैं देख रहा हूँ काफ़ी बाइकें दिख रही हैं, या तो लोग टोल देने लग गए या गांव वालों ने बीच में तोड़ के रास्ता बना लिया है। तोड़ के रास्ता भी बनाते हैं, मैंने देखी है ऐसी 2-3 जगह, मतलब जहाँ तार काट के लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है। सो अब कुछ भी हो सकता है, लोग टोल दे के भी आ रहे हों, क्या पता, या क्या पता तोड़ के आ रहे हों। चलिए, चलता का बोर्ड आ गया है और ब्रेक पॉइंट का भी बोर्ड आ गया है, जैसे यहाँ आगे लिखा हुआ है कि वॉशरूम रेस्टोरेंट वगैरह होगा, और टोल प्लाज़ा का भी बोर्ड आ गया है, सो आई थिंक टोल प्लाज़ा भी पास ही में होगा। और जैसे ही आप टोल प्लाज़ा पार करोगे या टोल प्लाज़ा से जस्ट पहले, आई थिंक ये फैसिलिटीज़ होंगी। और हमारा अब रह गया ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता रह गया है, जितना मुझे ध्यान है अब ये टोल प्लाज़ा आखिरी है, इसके बाद अब कोई टोल प्लाज़ा नहीं आएगा, जो कटना है यहीं पर कट जाएगा। यहाँ पे अभी हाईवे तो और रह गया है लगभग 40 किलोमीटर्स, मतलब ये वाला एक्सप्रेस वे अभी 40 किलोमीटर और है, 40 किलोमीटर पे जाके ये नोएडा में जाके ख़त्म होगा, सो नोएडा तक तो ये बचा हुआ है। बट टोल प्लाज़ा जितना मुझे याद है कि 30-40 किलोमीटर पहले ही आता है आखिरी वाला, उसके बाद कोई आता नहीं है, वैसे भी महंगा टोल है, पहले ले लेते हैं जितना लेना है। अब यहीं कहीं पे एक ब्रेक पॉइंट भी होगा आई थिंक, पार करके होगा। टोल प्लाज़ा तो आपको सामने दिखने लग गया है, आज ये बहुत खाली दिख रहा है, नॉर्मली आप फ्राइडे सैटरडे संडे आओगे तो इतना खाली नहीं होगा, यहाँ गाड़ियों की लाइन होगी, आज मंडे है इसलिए ये इतना खाली है। चलिए ये पार करते जाते हैं। रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट के बोर्ड लगे हैं, जलपान, पब्लिक कन्वीनियंसेस, फूड कोर्ट सब है यहाँ पे, ट्रक व्रक खड़े हैं काफ़ी, मुझे लग रहा है हम भी एक आध बार रुके होंगे यहाँ, आज तो अब नहीं रुक रहे, आज तो हम जा रहे हैं आगे। बट हाँ, ब्रेक पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ऐसे आपको जैसे नॉर्मल हाईवे पे रोड पे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, बट ये बने होंगे हर 30-40 किलोमीटर में बने होंगे, जैसे 200 किलोमीटर लगभग का आगरा से रास्ता है, उसके बीच में ये आई थिंक एक साइड में 3 या 4 आ जाते हैं, दूसरी साइड में भी ऐसे ही 3 या 4 आते हैं। सबसे बड़ा वाला वही था जहाँ हम रुके थे, वहाँ बीकानो विकानो है, सब कुछ है, और बाकी जो है वो थोड़े छोटे हैं, बट सब में आपको वॉशरूम, चाय, पानी ये सब मिल जाएगा।
देखो यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का बोर्ड लगा है, ये वही एयरपोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं शायद, बट एशिया का सबसे बड़ा है शायद, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। इंडिया का तो सबसे बड़ा है गारंटी, नो डाउट, बट शायद एशिया में भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है और ये यहीं बन रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं 10 साल का था तब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि एयरपोर्ट बन रहा है, अब जाके फाइनली इस पर प्रोग्रेस हुआ है और अब शायद साल भर में ये खुल जाएगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, जैसे हमारी फैमिली में हमारे बड़े रिलेटिव्स हैं, एल्डर्स हैं, जिन्होंने बहुत लोगों ने यहाँ घर लिए थे तब एयरपोर्ट बनेगा बोल के, उन्होंने घर ले के 10-20 साल रख के बेच भी दिए बिकॉज एयरपोर्ट नहीं बना। और इतना दूर कौन आएगा, दिल्ली में जिसकी नौकरी है वो दिल्ली से यहाँ आना पूरे दिन भर का काम था, ग्रेटर नोएडा आना पहले तो मेट्रो वेट्रो भी नहीं थी, तो पूरा 4-5 घंटा लग जाता था दिल्ली से बस करो ये करो, गाड़ी में भी आओ तो 2-2.5 घंटा लगता था। तो उन्होंने घर लिए, फिर बेच दिए, बाद में दिल्ली में ले लिए, उस बात को भी 10 साल हो गए, अब जाके एयरपोर्ट बन रहा है। आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया और यहाँ पे वो भी आ गया, धन्यवाद पुनः आगमन प्राथनिक है, थैंक यू विजिट अगेन, प्रार्थनीय है, थैंक यू विजिट अगेन। सो ये यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया, अब हमें पकड़ना है यहाँ से दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे और उसके लिए यहाँ से लेफ्ट मारना है, यहाँ 200 मीटर में आगे अपने को लेफ्ट लेने को बोल रहा है। तो हाँ यही वाला कट है, आप आगे देख भी सकते हैं उसमें लिखा हुआ है परी चौक, ग्रेटर नोएडा के लिए सीधा जा सकते हैं, बट दिल्ली अगर नोएडा जाना है तो आपको यहाँ से लेफ्ट मारना पड़ता है। तो हमने लेफ्ट मार लिया और हम दिल्ली नोएडा हाईवे पे अब आ गए। ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, बिकॉज ये नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है, जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ आएगा दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे। हाँ वही है दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे, एक्चुअली 2-3 ऐसा होता है कि आगरा से जब आप आते हो तो ग्रेटर नोएडा तक आपको मेन आगरा एक्सप्रेस वे ले आता है, फिर ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक आपको ये वाला एक्सप्रेस वे ले आता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, और फिर नोएडा से दिल्ली तक आपको DND ले जाता है, मतलब दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे। सो ऐसे करके आप फाइनली दिल्ली पहुँचते हो। चलिए चलते हैं। यहाँ पहले हाथियों की स्टैचू थी, मायावती की स्टैचू थी, सब हटा दी शायद, अच्छा नहीं अभी भी है, बहुत सालों तक तो कवर करके रखा था इन्हें, कुछ केस चल रहा था, फिर अब लगता है केस ख़त्म हो गया, अब हटा दी, पहले बहुत सालों तक कवर करके वो करके रखा था। चलिए अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर में सामने आप देख सकते हो, अब ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी ख़त्म हो गया, अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर में दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे DND फ्लाईओवर जिसे कहते हैं, DND फ्लाईवे जिसे कहते हैं, उसका वो आएगा, क्या आएगा, कट आएगा, और उससे फिर हम फाइनली दिल्ली जाएंगे। दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे मतलब DND फ्लाईओवर फ्लाईवे के लिए कट ले लिया है, यहाँ से लेफ्ट लेने को बोल रही थी ये रोड, सो लेफ्ट लेके अब हम उस पर आ गए। ये अपने को दिल्ली जोड़ देगा, सो यूपी दिल्ली बॉर्डर आएगा अभी इसी फ्लाईवे पे थोड़ा आगे में, आश्रम से थोड़ा पहले, और ये अपने को वहाँ जोड़ेगा और फिर हम फाइनली दिल्ली एंटर कर जाएंगे। आज और कल हम पूरा दिन अब दिल्ली में ही रहेंगे, फिर परसों सुबह निकलेंगे हम उत्तराखंड में, उत्तराखंड में एक जगह है कॉर्बेट के पास कोट बाग, वहाँ जाएंगे पहले 3-4 दिन, फिर वहाँ से देहरादून जाएंगे, तो वो सब परसों है, आज चलते हैं दिल्ली। टोल प्लाज़ा का वो है बना हुआ एंट्री पॉइंट, बट यहाँ कुछ टोल नहीं लगता, पहले लगता था बहुत साल पहले जब मैं आता था तब लगता था, बट ये अब बंद हो गया टोल, मतलब जितना रिकवर करना था पैसा आई थिंक इसने कर लिया होगा, ये जिसने रोड बनाई थी उसने, तो उसके बाद ये रोड ऑब्वियसली फ्री हो गई है, तो अब इस पर कोई पैसा नहीं लगता, आप आराम से मज़े से जा सकते हो। और यहीं से अब 500-700 मीटर में बॉर्डर आ जाएगा दिल्ली और यूपी का, देख के आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट इसके नीचे यमुना जी बह रही हैं, और यही यमुना जी थी बॉर्डर दिल्ली और यूपी का, और हम यमुना जी पार कर चुके हैं और दिल्ली के अंदर आ गए हैं। सो अब हम फाइनली आ गए हैं देश की राजधानी दिल्ली में, और अगले 2 दिन हम यहीं रहेंगे, आज भी यहीं रहेंगे, कल भी यहीं रहेंगे, फिर परसों सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे वापस देहरादून और उत्तराखंड घूमने के लिए। चलिए से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक राजघाट सरायकाले खां साइड जाता है, एक आश्रम साइड जाता है, ये हम आश्रम वाले कट पे आ गए और हमने कट ले लिया है, अब हम दिल्ली में अच्छे से आ गए हैं, बिकॉज़ अब 27 किलोमीटर कवर करने के लिए लगभग 1 घंटा लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिल्ली बड़ा शहर है, ट्रैफिक होता है, अभी हम 12:30 आए हैं तो उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता है, बट फिर भी ट्रैफिक तो होगा ही, अब दिल्ली में, दिल्ली शहर क्या बोलते हैं, भारत की राजधानी है, अब यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा। चलिए चलते हैं, तिरंगा लहराता हुआ, और ये सीधा रोड जाएगी लाजपत नगर और एम्स की साइड, अपने को यही सीधा रोड पकड़नी है पश्चिम बिहार जाने के लिए, लाजपत नगर एम्स क्रॉस करेंगे हम, उसके बाद वो आएगा बीकाजी कामा आएगा, और बीकाजी कामा के बाद धौला कुआँ आएगा, फिर धौला कुआँ के बाद आई थिंक वो आता है नारायणा बोलते हैं शायद,
नारायण नारायण आएगा, वो सब पार करके फिर हम फाइनली पश्चिम विहार पहुँचेंगे। 25 किलोमीटर, एक घंटे का रास्ता। प्रीमियर मार्केट है और यहाँ बड़े 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 घर हैं अंदर। घर देख के लगेगा नहीं, बट किसी ज़माने में भी ये 50-60 करोड़ के घर हुआ करते थे, अब तो पता नहीं और महंगे हो गए होंगे। हम सुनते थे, मतलब हमारी औकात तो कहाँ, बट हम सुनते थे कि इतने के घर हैं यहाँ। सो ये बहुत हाई एंड एरिया है, इससे भी हाई एंड खान मार्केट है, बट खान मार्केट के बाद आई थिंक साउथ एक्स ही होगा थोड़ा, जो मुझे लगता है। पता नहीं, मेरे को दिल्ली छोड़े हुए भी 6 साल हो गए, अब नए नए एरिया आ गए होंगे, बट ये है। चलिए, अब आगे एम्स आएगा, एम्स के बाद फिर हम बीकाजी कामा की साइड निकल जाएंगे। एम्स हॉस्पिटल, आपको बड़ा सा गेट दिखेगा, ये एम्स का है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। पहले पूरे इंडिया में एक ही एम्स था यहाँ पे, आज भी पूरे इंडिया का जो सबसे प्रीमियर रिसर्च और मेडिकल उसका इंस्टीट्यूट है, ये एम्स ही है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी बड़े नेता लोग या बड़े लोग जो बीमार होते हैं उनको यहीं लाया जाता है, और ये पूरे इंडिया का सबसे प्रीमियर वो भी है, कॉलेज भी है, मतलब मेडिकल कॉलेज भी है। बट अब तो और भी एम्स खुल गए हैं, बट अभी भी ये सबसे प्रीमियर है। और इसी के एकदम सामने है सफदरजंग। यहाँ दो हॉस्पिटल होते हैं, एम्स और सफदरजंग। एम्स आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सफदरजंग मे बी दिल्ली गवर्नमेंट का है या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट कुछ थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में। ये रोड के आर पार हैं और यहाँ मेट्रो वेट्रो सब आती है। यहाँ आप कभी भी आओ, बहुत भीड़ होगी। यहाँ हर चीज़ का ट्रीटमेंट मतलब सरकारी है तो फ्री हो जाता है। यहाँ लोगों को खाने बांट रहे हैं, हाँ वो लाइन है, ये देखो आप, खाने की लाइन है, लोग कोई खाना बांट रहा है, इतने सारे लोग लाइन में लगे हैं। ये थोड़ा है, थोड़ा अभी भी मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं सही है या गलत है, कि नॉर्थ में थोड़ी गरीबी थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। साउथ में भी देखा है मैंने, बट इतना नहीं देखा। साउथ में थोड़ा कम दिखता है गरीबी, वहाँ के पॉपुलेशन कम है ना, पॉपुलेशन कम है, हाँ गांव में लोग भी कम होते हैं, इतना नहीं दिखता। दिल्ली आओ, स्पेशली आप एम्स के बाहर आओ, अगर आप एक राउंड मार लो तो आप 10 मिनट बैठ जाओगे सर पकड़ के और सोचोगे जिंदगी के बारे में, इतना डीप थॉट आएगा। बिकॉज आप देखोगे लोग पाइपें लगा के बॉडी में ऐसे लेटे हुए हैं, बिकॉज अंदर जगह नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं है, हुई हैं, बट इतनी पॉपुलेशन है कि किस हद तक उसे मैनेज करा जाए। और बहुत लोग हैं जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बहुत महंगा है प्राइवेट मेडिकल। हम लोग भी बिना इंश्योरेंस नहीं कर सकते, सही बताऊं तो, बिकॉज आप जाओ एक दिन, अगर आप जस्ट रह भी गए किसी हॉस्पिटल में, नॉर्मल आप चले गए, तो आप लगा लो 25-30 हज़ार का खर्चा तो आएगा। अब 25-30 हज़ार जो दिन में कमा रहा है, चलो उसके लिए तो ठीक है, बट ज़्यादातर लोग नहीं कमाते, तो हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने भी इंश्योरेंस वगैरह लिया है, तो हमें कंफर्ट रहता है कि चलो कुछ हो गया तो इंश्योरेंस यूज़ कर लेंगे। बट हाँ, एम्स बाहर आके आप एक घंटा घूमो, ज़िंदगी के सच समझ आ जाएंगे आपको। चलिए चलते आगे। हम आप प्लेस क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ गेल का ऑफिस है, हायत रीजेंसी है। ये बड़ा अच्छा हायत लगता है, मैं कभी आया नहीं हूँ इससे, कभी सोचा था जब दिल्ली में थे कभी आएंगे, कभी ऐसा दिन आया ही नहीं। चलिए, एक बहुत अति सुंदर गुरुद्वारा आता है, ये देखो आप, मोती बाग गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मोती बाग साहिब, बहुत अच्छा लग रहा है। टनल पे आपको झंडे दिखेंगे, 3-4 हमें दिखे, तिरंगा लहराता हुआ, पीछे भी थे, इधर भी हैं। ये धौला कुआं का वो है, मतलब पॉइंट है, जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन के लिए फ्लाईओवर और हाईवे, मतलब हाईवे तो नहीं, रोड कटती है, और बड़ा सुंदर बनाया हुआ है इसे। ऐसा मैंने और कहीं नहीं देखा पूरे इंडिया में, होगा शायद किसी बड़े शहर और कहीं पे, बट मेरे को इतना आइडिया नहीं, मैं दिल्ली रहा हूँ तो मुझे दिल्ली का यही पता है। अब हम आगे जा रहे हैं नारायणा और पंजाबी बाग साइड, और फिर वहाँ से पश्चिम विहार पास पड़ेगा, आधे घंटे का रास्ता है, 14 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं। आपको बहुत जगह मोट कचौड़ी, राजमा चावल, कढ़ी चावल, वेज बिरयानी वाले मिलेंगे, इधर लाइन से आते हैं, बहुत सारे आते हैं यहाँ। आई थिंक ये रोड चौड़ी है, तो बहुत सारे बाइक वाले रोक के खा लेते हैं इनसे। और दिल्ली बड़ा शहर है, बिजी शहर है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, दिन भर काम करना होता है, तो लोग फटाफट खा के निकल लेते हैं, टैक्सी वाले, नॉर्मल जिनकी फील्ड जॉब है वो लोग, तो यहाँ बहुत दिखते हैं। हम ऑब्वियसली यहाँ अब नहीं खा रहे, हम तो घर ही जाके खाएंगे, घर का खाना हम तो वो मिस कर रहे हैं। हम भी कहीं देखते हैं, देहरादून वगैरह में खाएंगे कढ़ी चावल, राजमा चावल, मन तो हमारा भी बहुत है। ये अभी मैंने एक बोर्ड देखा, तो उसमें क्या लिखा था, 60 रुपये का कढ़ी चावल और 40 रुपये का राजमा चावल। तो मतलब राजमा चावल सस्ता, कढ़ी चावल महंगा है, वो ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। खर्चा तो लगभग उतना ही लगता होगा, कढ़ी में वही दही लगती है और राजमा चावल में राजमा लगता है, दही, बेसन, बेसन पकौड़े, हाँ अगर पकौड़े डालेगा तो थोड़ा सा उसका लगेगा, पता नहीं, बट मुझे लगता था दोनों सेम ही मिलते हैं दिल्ली में, बट मैंने देखा अभी एक बंदे ने लगाया हुआ था, फ़र्क था,
राजमा सस्ता था, राजमा चावल 40 रुपीज था और कढ़ी चावल 60, सही है पेट भरने के लिए। सामने आप देखो ये DTC की AC बसें हैं, इलेक्ट्रिक। जब हम थे यहाँ पे तब तो इतनी नहीं होती थी, रेड होती थी AC वाली, बट वो इलेक्ट्रिक नहीं थी शायद, नॉर्मली CNG वाली थी। हाँ CNG तो मैंने देखा था, अब ये इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, दिल्ली में तरक्की होती रहती है। पश्चिम विहार आ गए, सो अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे बिकॉज घर पे जाना है, इन लॉज के यहाँ जाना है, वहाँ सिस्टर इन लॉज से मिलेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो वो सब तो हम आपको नहीं दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, खाना वाना खा के फिर हम निकलेंगे यहाँ से होटल के लिए, और अपने को जाना है AeroCity पुलमेन होटल। सो वो वाली फिर आपको वीडियो दिखाएंगे आगे इसी में, और फिर AeroCity मतलब पुलमेन होटल भी दिखाएंगे, और शाम को ओल्ड दिल्ली जाने का सोच रहे हैं वो भी इसी वीडियो में दिखाएंगे। सो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखिए, इसके बाद हम जाएंगे पुलमेन होटल। ये मेरी सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी वाइफ की सिस्टर से, सबसे छोटी वाली से, सुष्मिता नाम है। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। हमारा होटल है आज पुलमेन, वहाँ पे बुकिंग तो करी है बट कुछ वाउचर वो एक था पहले, रिडीम हुआ नहीं हुआ पता नहीं, जाके देखते, ज़्यादा कुछ हुआ तो यहीं पे आ जाएंगे रहने के लिए, बट होपफुली तो हो जाएगा, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ से पुलमेन होटल है 20 किलोमीटर और 47 मिनट्स का रास्ता, पुलमेन जाना है, और पुलमेन जाते ही बस चेक इन करके निकल लेना है ओल्ड दिल्ली के लिए। सो ज़्यादा टाइम नहीं है, अब थोड़ा ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं, चलिए चलते। डाबरी मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है, कोई बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट है उधर देखो, बहुत सही मार्केट है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ये एक दिल्ली की बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट है, आज़ादपुर इधर आती है पता नहीं उधर आती है, नहीं ये नहीं, पंजाब साइड जाते हुए आती है मुझे याद है। हाँ जब हम एक दो बार पंजाब गए हैं यहाँ से वाइफ के घर के यहाँ से तो वो आता है, बट ये नहीं। ओह तिरंगा, वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा है। चलिए अभी हमारा होटल है 25 मिनट दूर, 12 किलोमीटर है, दिल्ली दिखाते हुए लेके जा रहे हैं आपको। क्षेत्र द्वारका विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो ये हम द्वारका विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर मैं गूगल मैप पे देखूँ तो गूगल इसे बोल रहा है डाबरी से गुड़गांव को जोड़ती हुई ये रोड, डाबरी दिल्ली में, गुड़गांव हरियाणा में, हम जा रहे हैं उधर गैया रास्ते में आते हुए। मेट्रो दौड़ती हुई जाती हुई, ये एयरपोर्ट लाइन है शायद, ये क्या बोलते हैं हम द्वारका के आसपास है, यहाँ से एयरपोर्ट लाइन जाती है शायद, हम भी यही पकड़ के जाएंगे ओल्ड दिल्ली आज, पहले हमारा होटल में चेक इन वेकिन हो जाए फिर जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ अपने को पुलमेन होटल दिख गया, पुलमेन और नोवोटेल ये साथ साथ में है, दोनों एक और मैनेज करता है, बस चिपकी हुई बिल्डिंगें हैं, बीच में बस आई थिंक एक पूल है, पूल के उस साइड नोवोटेल है, पूल के इस साइड पुलमेन है, काफ़ी अच्छा होटल है। अब इसकी एंट्री कहाँ से, चलिए दौड़ते हैं। ये हम पुलमेन पे आ गए और अभी हमारा आगे का वो चेक हुआ, बूट चेक हुआ, अब पीछे का चेक कर रहे हैं। वेलकम वेलकम टू आवर रूम, और आज आपको रूम टूर देते हैं, इधर आए हैं हम पुलमेन में। सबसे अच्छी चीज़ सबसे लास्ट में दिखाएंगे, पहले बाकी कमरा दिखा देते हैं। ये एंटर करते हैं, इधर कबर्ड्स हैं और इसमें आप देख सकते हो इतना बड़ा आयरन है, वाओ ये देखो आप, मैंने इतना बड़ा आयरन कहीं नहीं देखा, हर जगह छोटा सा देते हैं, इन्होंने फुल साइज़ का दिया है, फुल साइज़ का आयरन दिया है। आयरनिंग बोर्ड भी है इधर, ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, बाथरूम। हाँ अब ये आयरन जाएगा कैसे अंदर, निकल तो गया मेरे से, चले जाएगा। चलिए और यहाँ पे हमारा लगेज है सारा, इधर लॉकर भी है अगर आपको लॉकर की ज़रूरत है तो, इधर लॉकर है, वो नहीं है लॉन्ड्री बैग, ओ ये है लॉन्ड्री बैग भी, ओ वाह कोट शाइनर भी है ये, जैसे ऐसे ऐसे हमने कभी करा नहीं है, हमने पिक्चरों में देखा है, लोग बड़े लोग ऐसे ऐसे करते हैं वो कोट वोट पहन के साफ करने के लिए, ये वो है, ये भी कुछ कोट या कुछ करने का है, अब अपने को नहीं पता इतनी फैंसी चीज़। ये लॉन्ड्री बैग है, ये काम आएगा हमें, ये शू शाइनर है जूते चमकाने के लिए ऑफिस के, होटल तो बहुत सही है। और ये लगेज रैक है इनका, यहाँ पे हमने लगेज रख दिया अपना सारा लाके। ये छोटा सा कॉफ़ी स्टेशन है, यहाँ दो पानी की बॉटल थी, यहाँ पे भी ग्लास बॉटल्स देते हैं। और ये क्या है, नोवोटेल और पुलमेन साथ साथ होटल है, एक बिल्डिंग नोवोटेल है एक पुलमेन है, तो ये सेम बॉटल दोनों जगह जाती होगी, तो इसमें दोनों की आपको ब्रांडिंग दिखेगी। ये कॉफ़ी स्टेशन है, और ओहो इन्होंने धोखा दे दिया, मेरी फेवरेट कॉफ़ी नहीं है बट यहाँ क्या है कि यहाँ डीकैफ दिया है इन्होंने, सो ये अच्छी चीज़ है, नेस्कैफे दिए, डीकैफ दिए, तो इसे रात को भी पिया जा सकता है, नींद को हिट नहीं करेगा, बट स्लीपी आउल कॉफ़ी नहीं है, नॉर्मली स्लीपी आउल कॉफ़ी होती थी,
चलिए कोई नहीं, और क्रीमर देते हैं, ये मुझे को अच्छा लगता है, और इनके कप्स भी बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे, और ये स्टरर भी बड़ा सही होता है, ब्रांडेड स्टर करने वाला, बहुत अच्छा होटल है, मेरे को पसंद है। ग्लासेस भी देखो आप कितने अच्छे दिए हैं, यहाँ पे केटल है, यहाँ मिनी बार है, और यहाँ कुकीज़ वगैरह हैं, पेड सब सामान पेड है, अपने को तो चाहिए नहीं, ये खाली है, ये मिनी बार है, इसमें शायद लिकर वगैरह होगा, हाँ लिकर है, चॉकलेट्स हैं, फुल है। हम वैसे भी हमें ड्रिंक वाउचर मिलता है, सो हम तो अपना ड्रिंक वाउचर यूज़ करेंगे। और इधर एक वर्क स्टेशन है छोटा सा, बढ़िया सा, हमने अपना सामान वामान फैला लिया है, यहाँ आराम से बैठ के आप काम कर सकते हो। और इधर किंग साइज़ बेड है, अगर आपको मन करे, जैसे हम बड़ा कम करते हैं बट ऐसा कर सकते हो, 2.5 लोगों के लिए बहुत सही है, काफ़ी बड़ा है, और सोफ़ा भी है काफ़ी अच्छा बैठने के लिए, व्यू भी सही है, एयरपोर्ट व्यू रूम है ये हमारा, आप सामने देख सकते हो, आपको वो दिखेगा एयरपोर्ट का टारमैक दिखेगा, उस साइड हमें प्लेन भी दिख रहे हैं, प्लेन चलता हुआ भी दिख रहा है, बट हम कैमरे में आपको शायद ना दिखा पाएँ बिकॉज वो आँखों के कोने में दिख रहा है, प्लेन उधर जा रहा है। और वॉशरूम भी दिखा देते हैं, वॉशरूम 2 साइड ओपन है, तो यहाँ से दिखा देते हैं आपको। और सबसे अच्छी चीज़ जिसके लिए मैं ये होटल करता हूँ, और कोई कारण नहीं है, वो है इनका वॉशरूम, और आप अंदर आओ फील लेने के लिए, ये देखो कितना सही है, और इतना बड़ा बाथटब है, वाह इसका साइज, मतलब इसमें तो डूब जाए इंसान, स्विमिंग पूल है ये मिनी, और यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे भी पानी वानी है आप देख सकते हो, बाथिंग सोप है, सोप भी कितने अच्छे से वो करके दिया है, सोप छोटा ही है, डब्बा बड़ा दिया है, यहाँ टॉयलेटरीज के लिए भी अच्छा सा वो बना के रखा हुआ है सेट करके, पानी की बॉटल्स भी हैं, टावल है यहाँ नीचे, यहाँ भी टावल्स हैं, यहाँ अलग से बाथरूम है, यहाँ अलग से शावर है, और शावर में हेड भी, ये भी है वो भी है, और यहाँ वो भी लगे हुए हैं, टॉयलेटरीज भी बड़ी अच्छी हैं, क्या है एफो तो कैरी किरिम किमीरिका किमीरिका पता नहीं, अपने को नहीं पता, कोई अच्छा ब्रांड होगा, अब ये लोग दे रहे हैं तो काफ़ी सही है। और हमारा बेटा छुपा है, उसको ढूंढना है, अब बेड के नीचे तो जगह नहीं है, अब वो आजकल एक ही जगह छुपता है, तो वही देखते हैं। ठीक गया विक्रांत, यहाँ पर है विक्रांत, पिकअबू हो गया, चलिए रूम टूर था, अब हमें घूमने जाना है आज ओल्ड दिल्ली, इधर से निकलो, सो अब रेडी होते हैं और फटाफट चलते हैं यहाँ से। और ये आप देखो वहाँ पे प्लेन है, एमिरेट्स का प्लेन जा रहा है, बाय बाय एमिरेट्स, बाय बाय, और DHL वाला रेडी हो रहा है जाने के लिए, तो दो दो फ्लाइट्स खड़ी हैं हमारे रूम के इससे दिख रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो बेबी अब हम जा रहे हैं कच्चा चौधरी, किच्चा चौधरी कैमरा मार्केट जा रहे हैं हम, ये हमारा कमरा, चलो बेबी चलो लेट्स गो। और ये हम अपने होटल रूम से जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली मार्केट, हाँ ओल्ड दिल्ली जा रहे हैं, होपफुली आ जाएंगे हम 4-5 घंटे में वापस, लेट्स सी, चलो चलो 5 बज गए, होपफुली 9 PM तक आ जाएंगे। ये वाइफ कैब भूल गई थी, बेबी और अपना कैब लेके आई है वापस, लॉक कर दिया डोर अच्छे से, चलो हाँ कर दिया, चलो देख लो अगर डाउट है तो, बेबी जाओ देख के आओ डोर लॉक है या नहीं है, जाओ चेक करके आओ, इधर है एलिवेटर, इधर से चलेंगे। ये हम जा रहे हैं, ये लॉबी था, इधर से इधर जाना है हमें, लोकेशन लगाना पड़ेगा, ये हम तीनों जा रहे हैं वॉक करते हुए, एयरपोर्ट लाइन पकड़ने जा रहे हैं, एयरपोर्ट लाइन हमें छोड़ेगी न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, वहाँ से फिर 2 स्टेशन के लिए हमें एक और मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, और हम पहुँच जाएंगे चांदनी चौक के पास, फिर वहाँ से हम जाएंगे कच्चा किच्चा चौधरी है या कच्चा चौधरी है, किच्चा चौधरी मार्केट है शायद कैमरा की, वहाँ जाएंगे, इसमें एक स्क्रीन गार्ड लगाएंगे अपने नए कैमरे में, और उसके बाद फिर बेबी को करीम्स ले जाएंगे, वहाँ से करीम्स फिर या तो ऑटो करना पड़ेगा या दोबारा मेट्रो करनी पड़ेगी, देखेंगे मतलब कर लेंगे कुछ ना कुछ। विक्रांत इन्जॉय कर रहा है दिल्ली मेट्रो जर्नी, दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन है ये, आप देख सकते हो सही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, हम मज़े से जा रहे हैं, ये दिल्ली मेट्रो की भीड़ भाड़ से निकल रहे हैं हम, क्या एक्सपीरियंस था, हम हैदराबाद रहते हैं वहाँ 3 कोच की मेट्रो होती है, वो भी नहीं भर पाते वो लोग, और यहाँ 8 कोच की थी और उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। और ये है सामने ओल्ड एंड फेमस जलेबी वाला, बढ़िया दुकान बंद है, तो हमारा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, यही खाने आए थे हम, अब ये नहीं हो पाया, अब हम जाएंगे कैमरे का सामान लेने किच्चा चौधरी मार्केट और फिर करीम्स। ये इस मार्केट से आए हम, ये है कच्चा चौधरी मार्केट,
और यहाँ पे कैमरों का हर सामान मिलता है, बट हमें इसका स्क्रीन गार्ड नहीं मिला पॉकेट 3 का, सो अभी ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। बट ये बड़ी मार्केट है, यहाँ पे अगर आपको GoPro वगैरह लेना है तो सस्ता मिल जाता है, अमेज़न के रेट में या अमेज़न से 2000 कम में मिल जाता है। मैं जानता हूँ, लोगों के रिव्यूज़ देखे मैंने जो लेते हैं, मैं तो अमेज़न से ही मंगाता हूँ, मेरी आदत है। बट चलिए अब करीम्स जाते हैं, अब ये भी फ्लॉप हो गया, दो चीज़ें फ्लॉप हो गई 3 out of 2, अब करीम्स बंद होगा तो वो भी फ्लॉप हो जाएगा। और ये हम इस साइड जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, रेड फोर्ट की साइड, लाल किले की साइड जा रहे हैं। लाल किला सामने से दिखेगा, उसमें लाइटिंग दिख रही है, वो दिखाने ले जा रहे हैं बेबी को, वो कह रहा है उसे देखना है। और फिर इसके बाद यहीं से ऑटो करने की कोशिश करेंगे करीम्स जाने के लिए। आज तो हमारी सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई, ना जलेबी खाने को मिली, ना कैमरे का स्क्रीन गार्ड मिला। देखते हैं अब यहाँ होपफुली करीम्स के लिए ऑटो मिल जाए। और ये श्री गौरी शंकर जी का मंदिर है, इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो श्री गौरी शंकर मंदिर। ये भी जब से मैं आ रहा हूँ मैंने तब से देखा है, बचपन से ही। अब कितना प्राचीन है ये तो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट जब से मैं आ रहा हूँ बचपन से तब से मैंने ये देखा है। भीड़ भाड़ है और ये रेड फोर्ट दिख रहा है यहाँ से बड़ा अच्छा, लाल किला। यहीं पे 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है। बाप रे क्या भीड़ है, क्या शोर है, बड़े सालों बाद। अब उस साइड जाना है हमें, हमें उस साइड जाना है। ये बेबी ई रिक्शा में बैठा है, करीम्स खाना खाने जा रहे हैं। जाओगे खाओगे? और एक कहावत है ऐसे ही कुछ है कि चौबे जी चले शर्मा जी बनने और दुबे जी बन के आ गए हमारे साथ। ऐसी वहाँ 80 रुपये बोल रहा था डायरेक्ट छोड़ दूंगा, उससे पैसे बचाने के लिए हमने पहले दूसरा ऑटो ढूंढा, मतलब दूसरा एक शेड को ही ढूंढा, उसने बोला हाँ मैं करीम्स के पास छोड़ दूंगा जामा मस्जिद, उसने बीच रास्ते में उतार दिया। फिर अभी दोबारा एक और 50 रुपये का अपने को करना पड़ा, बात घूम फिर के वही 80 रुपये ही आई जो पहले वाला मांग रहा था। चलिए फिर भी अभी भी उम्मीद है कि हम पहुँच जाएंगे। चलो चलो आगे चलो। और ये हम आ गए हैं गली के बाहर, उतार दिया हमें, करीम ढूंढ रहे हम। यहीं कहीं लेफ्ट में उसका छोटा सा एंट्री है, उससे पता लगता है वो। हाँ यहाँ लिखा है ना इनसाइड स्ट्रीट, इधर लिखा है, साइनेज बना है, इधर में है अंदर। हाँ इस गली में अंदर जाओ आगे। हाँ इसके देखो करीम्स का बोर्ड लिखा है इधर। हाँ चलो चलो यही है ये हमें ये हमें करीम होटल की गली मिल गई, ये गली में है इधर फाइनली। चलिए आ गए हम करीम होटल, एस्टैब्लिश 1913, 100 साल से पुराना। ये इनका मेन्यू है, हम वेट करें कोई हमारा ऑर्डर लेगा। सो हमने क्या डिसाइड करा है, हम मंगाएंगे एक चिकन जहांगीरी, एक निहारी और रोटियां। आई थिंक इससे हमारा हो जाएगा इतने से। बेबी रेडी बैठा है खाने के लिए। और ये हमारा निहारी आ गया, निहारी और रोटी आ गई है खमीरी। और इस पर आप ये देख सकते हो तिल का वो डाला हुआ है। और ये खमीरी रोटी बोले तो इसके आटे को थोड़ा वो करा है, खमीर लगाया है, मतलब खट्टा होने के लिए छोड़ दिया है, फर्मेंट होने के लिए। बड़ा सही जाता है ये इसके साथ। वाइफ और बेबी हाथ धोने गए, अभी आते हैं तो खाते हैं। अभी हमारा सब कुछ आ गया, चिकन स्टू भी आ गया, मटन निहारी भी आ गई। बेबी कैसी लगी मटन निहारी, फर्स्ट टाइम खाया ना, कैसा लगा? अच्छा लगा, मज़ा आया। ये भी खाना, चिकन भी अच्छा लगेगा, ये डिफरेंट है जो हम बनाते हैं उससे। खाना करीम का मज़ेदार होता है। और ये दोनों हाफ़ है, पोर्शन हाफ हाफ बोला था हमने। ये मटन का थोड़ा छोटा हाफ है, इसका थोड़ा बड़ा लग रहा है, पता नहीं कहीं फुल तो नहीं दे दिया। क्या हुआ? हाँ चलो चिकन खा लो, करी मैं खा लूँगा। और क्या मंगा दूँ फिर, कुछ और मंगा दूँ बेबी के लिए? और ये हम जा रहे हैं यहाँ करीम से, हो गया हमारा खाना, बिल बिल अभी आपको आगे बताते हैं होटल जाके आराम से। ये छोटी सी गली है, इस गली के अंदर होता है। बेबी को फिरनी खिलानी है तो फिरनी ढूंढते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत वो हैं फेमस फेमस स्वीट की दुकानें, मोहब्बत का शरबत देखा वहाँ पे है, मोहब्बत का शरबत वाला बोर्ड देखा बेबी ने, पापा ने पिया है ये इधर मोहब्बत का शरबत का बोर्ड है और उसमें केजरीवाल और राहुल गांधी पोस्टर में दिख रहे। मैंने भी पिया है, अच्छा होता है, बट आज तो नहीं, आज हम एक फिरनी खाएंगे।
ये यहाँ पे शाही टुकड़ा की एक बहुत फेमस दुकान है, उधर हम आए हैं। इनकी एक और स्पेशल चीज़ होती है, ये मैंगो आइसक्रीम जो ये यहीं बनाते हैं, हैंडमेड होती है। ये मैं हर बार खाता हूँ। सो थोड़ा सा ये खाएंगे और एक फिरनी बोला है, एक फिरनी खाएंगे और फिर बाहर से शॉप भी दिखाएंगे आपको, फिर जाएंगे। और ये जो इधर फिरनी है ये ऐसे आती है, मटके में आती है, क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी वाले बर्तन में, कुल्हड़ में। हाँ, इसलिए मेरे को पसंद है। पहले जब मैं नाइट शिफ्ट मार के इधर आता था अपने करियर के शुरू में, तो मैं ऐसी 5-6 ले आता था और 2-4 दिन खाता था डेली एक एक इसलिए शुगर हो गया, कुछ ज़्यादा ही खाता था। और ये फिरनी खा रहे हम, ये ज़्यादा मीठी है, ये कम मीठी है, मतलब बिकॉज ये ऐसे बर्तन में बनते इसका फ्लेवर आता है। मेरी फेवरेट आइटम है यहाँ पे जब भी आओ। और ये वो है शाही टुकड़ा है ये, और वहाँ पे रबड़ी भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। और ये हम इधर आए थे, आई लव जामा मस्जिद लिखा हुआ है, ये जामा मस्जिद है। अभी लाइट ढंग से नहीं है तो समझ नहीं आ रही, बट पीछे काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और हम जा रहे हैं अब मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से किसी तरह हमें न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुँचना है, और वहाँ से अपने को एयरपोर्ट लाइन मिल जाएगी जो अपने को एरो सिटी हमारे होटल के पास छोड़ देगी। ये है क्या बोलते जामा मस्जिद की गलियाँ, मुर्गे कबाब बस यही है। चलिए हमने खा लिया डिनर, करीम सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का और सबसे एक्सपेंसिव भी वही है, बट इतना नहीं है, हमने 800 रुपये में खा लिया। बिल का ब्रेकडाउन बता देंगे आपको थोड़ा आगे, चलते हैं मेट्रो स्टेशन की ओर। ये पुराने पुराने लोगों से सुना था मीना बाज़ार, आज देख लिया है, इधर है मीना बाज़ार का बोर्ड। और ये हम आ गए अपना घूम फिर के, ओल्ड दिल्ली घूम के, अब हम अपने होटल जा रहे हैं। हमारा होटल मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट 12-13 मिनट्स का वॉक है, सो वही करते हुए जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में 2-4 होटल आते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन से निकले पहले रोजेट हाउस आया, फिर एक लेमन ट्री का होटल आया, फिर JW मैरियट आएगा, आई थिंक ये JW मैरियट है अभी जिसके बाहर से हम चल रहे हैं, और JW मैरियट के बाद अंदाज आएगा हायत का, और फिर पुलमेन आएगा कौर का जहाँ हम रुके हैं। और ये हमारे बेटे की डिमांड थी कि बाथ टब सेट किया जाए, तो हम उसके लिए बाथ टब सेट कर रहे हैं। आप देख रहे हो पूरा फिल्मों में जैसे होता है, हीरो हीरोइन क्या बोलते हैं पूरे बबल बबल में नहाते हैं, वैसे बना रहे हैं हम अपने बेबी के लिए, ताकि वो बाथ टब में बबल बबल में नहाए। वो डाल दिया हमने बबल बाथ वगैरह डाल दिया, बाथ सॉल्ट, रोज़ पेटल्स नहीं है, बाकी तो सब डाल दिया हमने, बबल बाथ डाल दिया, बाथ सॉल्ट्स डाल दिए। अब ये भर जाएगा तो फिर बेबी इंजॉय करेगा, करोगी बेबी इंजॉय। रात के बज गए हैं, आई थिंक 10 बज गए हैं या 10:30 बज गए हैं कितना टाइम हुआ, और हमें जाना 10:30 हो गए, और हमें जाना है अपना वेलकम ड्रिंक पीने के लिए। अब कल तो क्या ही पियेंगे, कल चेकआउट है सुबह के टाइम में, तो अभी जाके कुछ पी लेते हैं इंटरेस्टिंग सा। बेबी के लिए तो कुछ नहीं होगा, चलो फिर भी। ये हम अपना वेलकम ड्रिंक वाउचर लेने रिडीम करने आए हैं, और हमने जिन एंड टॉनिक मंगाया। बेबी यहीं पर अपना टैब खेल रहा है, उसे अकेले कमरे में क्या छोड़ते, हम दो एक एक ड्रिंक ले लेंगे, ऑलरेडी 10:30 बज गया है, सो हम भयंकर लेट चल रहे हैं आज। अब पियेंगे जाके फिर सो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसी ड्रिंक मंगाई है जो रिलैक्स करे, जिन एंड टॉनिक। सो ये हमने अपनी जिन एंड टॉनिक बना ली है, इसमें लेमन है, जिन है और टॉनिक वाटर है, और आइस है, आइस क्यूब्स भी डलवाए हमने। अब ये बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है, जैसे नींबू पानी जैसा ही लगता है, बड़ा सही लगता है, और मतलब नींद भी सही आती है अगर ये हल्का हो तो, जैसे 30 ml होता है तो ठीक रहता है, उससे ज़्यादा में तो फिर पता नहीं, मुझे तो सही नहीं लगता, मुझे थोड़ा कड़वा लगता है, 30 ml ठीक लगता है। चलिए पीते हैं, जाते हैं। ये हम इधर बैठे हैं, ये इनका बार है, प्लिंग बार नाम है इसका। जिन एंड टॉनिक पियेंगे फिर चले जाएंगे, जाके सो जाएंगे, थक गए हैं। और ये कल हम डिनर करके आए, फिर जाके ड्रिंक्स पी के आए, फिर हम वो वेलकम ड्रिंक जो मिला था वो, फिर हम कल ये वीडियो एंड करना भूल गए, और आपको कल हम बिल भी बताना भूल गए। कल हमने करीम्स पे डिनर किया था, अपना लगभग 850 के आसपास का बिल था, जिसमें चिकन स्टू 320 का था, मटन निहारी 355 की थी, तंदूरी रोटी 15 रुपये की एक थी, 5 खाई हमने, और एक पानी की बॉटल ली थी, तो सब मिला के 810 रुपये के आसपास था, 40 रुपये हमने टिप जोड़ दिया था, तो 850 में अपना डिनर हो गया था। और चलिए अब अगला दिन हो गया, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये जो आज का नया दिन है ये आपको नए ब्लॉग में दिखाएंगे। कल के ब्लॉग में देखा आपने कि कल हम निकले आगरा से, आगरा से दिल्ली आए, दिल्ली में फिर
पहले तो हम अपनी इन लॉज के यहाँ गए, वहाँ हमने लंच किया, वो सब हमने आपको नहीं दिखाया, बट लंच के बाद फिर हम नोवोटेल होटल आए, तो इस होटल का रूम टूर दिया हमने आपको, सॉरी हम पुलमेन में आए अकौर के पुलमेन होटल का हमने आपको रूम टूर दिया। उसके बाद हम ओल्ड दिल्ली गए, ओल्ड दिल्ली में हमें जलेबी खाना था, दुकान बंद थी, कैमरे का सामान लेना था वो मिला नहीं, बट हमने नॉर्मल मार्केट दिखाई आपको। उसके बाद हम करीम्स गए जहाँ हमने डिनर किया, और फिर वही मेट्रो से हम वापस अपने होटल में आ गए, ड्रिंक्स व्रिंक्स पिया, थोड़ा नहाया धोया और कल का दिन खत्म कर दिया। अब आज नया दिन है, इसका बनेगा नया ब्लॉग, सो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।